हेलो व्यूअर्स, ललन सर पुनः उपस्थित हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल आर्यन अकेडमी में आप ही के लिए एक नए सवाल के साथ। यह सवाल जो है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन से संबंधित है और ऐसे व्यूअर्स के लिए है जो क्लास ट्वेल्थ में है, चाहे वो CBSE बोर्ड के हों चाहे बिहार बोर्ड के, दोनों ही बोर्ड जो है NCERT को फॉलो करता है, अर्थात यह सवाल जो है NCERT बेस्ड है और ऐसे भी व्यूअर्स के लिए है जिनका प्रिपरेशन किसी न किसी वजह से प्रभावित है, अर्थात उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्टूडेंट के लिए सेलेक्टिव क्वेश्चन है और हम सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन का जो है प्लेलिस्ट तैयार करके क्रैश कोर्स के नाम से तैयार कर दिए हैं और उसमें सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन को डाल रहे हैं। आप उसमें जाएंगे तो आपको सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, उनको आप करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इफ वाई इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस सो ऑन इन्फिनिटिव प्लस अप टू इन्फिनिटिव फाइंड dy अपन dx, यानी कि इसको हम डिफ्रेंशिएट करना है हमको x के सापेक्ष। बनाते हैं इसको, हेयर जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अप टू इन्फिनिटिव। इसको हम क्या करते हैं, वन मान लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन से। क्या कर सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं यहां से वाई लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन से। तो देयरफॉर वाई इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। यहां से भी वाई होगा, यहां से भी वाई होगा, यहाँ से भी y होगा, क्योंकि इन्फिनिट तक जा रहा है तो हम फ्रॉम वन से इसको हम y लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट देयरफॉर y स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। अब इसको क्या करते हैं, इक्वेशन टू मान लेते हैं। अब हम इक्वेशन टू को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के सापेक्ष। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर का हो जाएगा पहले y के सापेक्ष, फिर y का हो जाएगा x के सापेक्ष। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x का हो जाएगा x के सापेक्ष और dy का हो जाएगा x के सापेक्ष। अब पावर मल्टीपल होगा, पावर वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो पावर वन पावर वन और टू y, वन नहीं लिखेंगे, इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू साइन का कॉस होता है तो कॉस x प्लस dy अपॉन dx। अब हम dy अपॉन dx को इस साइड ले आते हैं और इसको हम इस साइड ले आते हैं, टू y dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू cos x। अब हम dy अपॉन dx को इसमें कॉमन ले सकते हैं और dy अपॉन dx कॉमन जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस 1 इक्वल टू cos x। देयरफॉर dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा cos x अपॉन 2y माइनस 1, जो कि इसका आंसर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। किसी भी तरह का प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट करके पूछेंगे और ये चैनल कैसे और बेहतर बने इसके लिए भी सुझाव दे सकते हैं आप। और जो अभी तक इस
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो अभी अभी इस चैनल पर आए हैं वह प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें। और वह स्टूडेंट जो देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त को भी फ़ायदा हो और उनका सहानुभूति आपके साथ साथ आपके सर को भी मिले। हम इस उम्मीद से आपसे आज्ञा लेना चाहते हैं कि हम पुनः मिलेंगे आपसे एक नए सवाल के साथ। तब तक सर को आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।